नमस्कार दोस्तों, स्विटटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे और इस पे तरह तरह के लोगों ने कमेंट के साथ इसको पोस्ट किए हैं। ओनली फॉर जीनियस, 99% फॉर इफ़ यू सॉल्व दिस यू आर जीनियस, ऐसे कर करके इस क्वेश्चंस को कमेंट कर करके इस क्वेश्चंस को पोस्ट किए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे होंगे जॉब की, तो आप ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए लोग इस पर काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लोगों के क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मैंने भी खुद फर्स्ट वाले इसको देखा था तो लगा था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मली सॉल्व कर दिया, जबकि मेरा जवाब गलत आ गया था। तो फिर मैंने बाद में जब इसको देखा अच्छी तरीके से, तो मुझे पता चला कि इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। अगर आपने भी इसको सॉल्व किया है, आपका क्वेश्चन सही आया है या गलत आया है, अगर आपने नहीं देखा है इसको, तो आप वीडियो पे एक पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो में बने रहिए, देखिए आपका क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न बहुत ईजिली सॉल्व कर दूंगा, दूर कर दूंगा आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न। बस इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए, पहला क्वेश्चन ये जो है, ये तो नॉर्मली लोगों के व्हाट्सएप ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसे तो खुद दिलजीत सिंह, पंजाबी सिंगर दिलजीत दसन जो हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। लोगों ने अलग अलग इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हैं इसके, किसी ने 23 तो किसी ने 48, किसी ने अलग अलग 52, अलग अलग लोगों ने आंसर किए हैं इसके। तो अगर आप भी जानने की इच्छुक हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये हमको अलग अलग सारी चीज़ों का, जितने भी चीज़ों को इसमें दिया गया है, सबका वैल्यू हमें पता करना पड़ता है कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे ये यहाँ पे तीन जोड़ी जूतों को ऐड करके 60 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है तीन जोड़ी जूतों को ऐड करके। तो यहाँ पे तीन जोड़ी जूतों को ऐड करके 60 लिखा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तीन से इस 60 में हमको भाग देना पड़ता है, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ता है तीन से 60 को। अगर तीन से हम 60 को डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20, मतलब एक जोड़ी जूते का दाम 20 रुपीज़ होगा, 20 रुपये होगा एक जोड़ी जूते का दाम। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक जोड़ी जूते का दाम 20 रुपये लिख देते हैं। देखिए, एक जोड़ी जूते का दाम हम अलग अलग पहले सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं इसमें उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे दो जोड़ी जूते, तो एक जूते का दाम हमारा सिंपल सा 10 रुपीज़ हो जाएगा। जैसा कि छह जूते हैं, मतलब तीन जोड़ी जूते हैं, तो 60 हो गए। तो वैसे ही एक जूते का, अगर एक जोड़ी जूते का दाम 20 रुपये होता है, तो एक जूते का दाम 10 रुपये। और आइए नेक्स्ट जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, ऐसे अब नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, दो जोड़ी जूते हैं और दो आदमी हैं, ये दो कार्टून है, आदमी या कार्टून कुछ भी कर लीजिए आप, ये दो जोड़ी जूते, सॉरी एक जोड़ी जूते और दो आदमी बने हुए हैं, इसको ऐड किया गया है और लिखा गया है 30, मतलब 30 लिखा गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक जोड़ी जूते का वैल्यू हमें पता चल गया है 20 होता है, 20 होता है, तो हम इस 30 में से 20, एक जोड़ी जूते यहाँ पे जोड़े गए हैं, 20 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा क्या, 10 बच जाएगा, 10 होगा दो लोगों के, ये दो जो आदमी हैं, दो आदमी इक्वल टू 10 होगा। तो एक आदमी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक आदमी का वैल्यू 5 है, एक जोड़ी जूते का दाम 20 और एक जूते का दाम 10। अब नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दो चश्मे और एक आदमी को ऐड किया गया है। अगर दो चश्मे एक आदमी का, हम तो हमें चश्मे का वैल्यू अभी पता नहीं है, तो हम चश्मे का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5, इसका टोटल वैल्यू कितना दिया है, 9, तो हम 9 में से ये एक आदमी का वैल्यू हमको पता है, इसको हम घटा लेंगे, 9 में से 5 हम घटाएंगे, तो हमारा वैल्यू 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 दो चश्मे का दाम, दो चश्मे का वैल्यू 4 है, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक चश्मे का वैल्यू 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ग्लव्स है, दो जोड़ी जूते, एक चश्मा और एक ग्लव्स, तो हमें यहाँ पे ग्लव्स का वैल्यू तो पता नहीं है हमें, लेकिन एक जोड़ी जूते और चश्मे का वैल्यू पता होगा। एक जोड़ी जूते का वैल्यू हमारा है 20 और एक चश्मे का वैल्यू हमारा 2 है, 20 और 2 22 20, यहाँ पे एक जोड़ी जूते और एक चश्मे का वैल्यू हम जोड़ देते हैं 20 एंड 22, तो हो गया हमारा 20 एंड 2 22, तो 22 का हम 42 में से घटा लेंगे, तो हमारा बचेगा 20, मतलब 20 बचेगा। तो हमारा सिंपल सा है, ये ग्लव्स है, तो एक ग्लव्स की वैल्यू हमारी हो गई 20, मतलब 20। तो अब क्या करना है कि अब हमने सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एक जोड़ी जूते,
एक जूते, एक आदमी और एक चश्मे और एक ग्लव्स का हमने पता कर लिया वैल्यू क्या होगा। अब हमको क्या करना होता, सिंपल सा ये देखिए, अब एक जूता, एक आदमी और एक चश्मे का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके उसका आंसर निकालना था। लोग क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे रखेंगे इसका वैल्यू तो पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक जूता है, एक जूते का वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 बता दिया, एक आदमी का वैल्यू यहाँ पे 5, एक आदमी का वैल्यू 5 है यहाँ पे 2, एक चश्मे का वैल्यू 2। तो इसको सिंपल सा अगर हम रखते हैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 10 और 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप इस कार्टून को, इस आदमी को ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट में। ये देखिए ये आदमी है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को छोटी थी तो मैंने इसको रोक लिया है। देखिए ये इसने एक चश्मा, आप देख सकते हैं इसने एक चश्मा पहन रखा है, जो कि पीछे वाला जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है इसमें इसने कुछ नहीं पहन रखा है, बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं इसमें इसने ना ग्लव्स पहने हैं, ना चश्मे पहने हैं, ना जूते पहने हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो आदमी दिया हुआ है, इसने बकायदा आप देख सकते हैं 2 ग्लव्स, दोनों हाथों में ग्लव्स, दोनों पैरों में जूते और एक चश्मा लगा के रखा है। आप देख सकते हैं 1 चश्मा 2 ग्लव्स और 2 जूते पहन के रखे हैं, जैसा कि आप पीछे वाले में देख सकते हैं। यहाँ पे इसने ना ग्लव्स पहने हैं, ना चश्मे पहने हैं, ना जूते पहने हैं। तो ये जो 5 वैल्यू है सिर्फ आदमी का है, ये जो वैल्यू है सिर्फ आदमी, यही लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है कि हम इसका वैल्यू क्या रखें। लोग इस पे क्लियर ही नहीं कर रहे हैं किसने 2 जोड़ी, मतलब एक जूते भी पहन रखे हैं, ग्लव्स भी पहन रखे हैं, चश्मे भी लगा रखे हैं। मैंने भी नहीं केयर किया था, मैंने कभी ग्लव्स को केयर किया, कभी चश्मे को केयर किया, कभी जूते को नहीं केयर किया, लेकिन बाद में मैंने जब देखा सबको तो मेरा आंसर सही आया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक चश्मा, दोनों हाथों में ग्लव्स और दोनों पैरों में जूते पहन रखे हैं। तो हमें इस टोटल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस आदमी का, चश्मे का और ग्लव्स का और इन जूतों का निकाल के ऐड करके फिर इस आदमी की टोटल वैल्यू हमें पता करेगी, फिर उसको रख के हम आगे निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आदमी रहा, इसका वैल्यू हम टोटल, ये पूरा कंप्लीट आदमी रहा, वो इनकम्प्लीट आदमी था विदाउट जूते मोजे का, जिसका वैल्यू 5 था। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक आदमी, एक चश्मा और इसने क्या, एक आदमी है यहाँ पे इस इमेज में, एक आदमी का वैल्यू मैंने, एक आदमी यहाँ पे रखा मैं, एक चश्मा और एक, ये 2 ग्लव्स और 1 जोड़ी जूते इसने पहन रखे हैं। अब इसकी वैल्यू हम जैसे यहाँ पे देखिए, एक आदमी का वैल्यू 5, एक चश्मे का वैल्यू 2, एक ग्लव्स का 20, दूसरे ग्लव्स का 20 और एक जोड़ी जूते का वैल्यू 20 हमने रखा, तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 67 हो गया। मतलब इस कंप्लीट आदमी का, जिसने सारे के सारे जूते ग्लव्स और चश्मे पहन रखे हैं और आदमी, इसका टोटल वैल्यू हमारा 67 होता है। तो हम जो क्वेश्चंस में, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो आदमी दिया है उसका वैल्यू 67 होगा, ना कि 5। तो अगले आइए हम दिखाते हैं नेक्स्ट होते हैं। ये देखिए हमें इसका जवाब पूछा है, जो कि ये आदमी कंप्लीट है, जबकि जो क्वेश्चंस जो हमें जवाब दे रखे थे उसमें ये आदमी कंप्लीट नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ आदमी था, ना चश्मे पहन रखे थे, ना ग्लव्स पहन रखे थे, ना जूते पहन रखे थे। अगर ये जूते, ग्लव्स, चश्मे और आदमी को पूरा देखा जाए तो इसका वैल्यू 67 होगा। तो हम 67 यहाँ पे रख के इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि देखिए ये एक जूता, यहाँ पे एक जोड़ी जूते नहीं है, एक जूते हैं, एक जूते का वैल्यू 10 रुपीज, एक जोड़ी जूते का वैल्यू 20 दिया था, तो एक जूते का वैल्यू 10। और वैसे ये पूरा कंप्लीट आदमी का, ये जो कंप्लीट कार्टून है इसका वैल्यू 67, उसके बाद मल्टीपल 2, चश्मे का वैल्यू 2 रखें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम सॉल्व किए तो 10 और 67 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 134 हो गया, 10 और 134 को हमने ऐड किया 144 हो गया। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि 10 और 67 को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑड मास एक रूल है, उसके हिसाब से पहले हमको मल्टीप्लाई करना होता है फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 134 हुआ, 134 में 10 को ऐड किया 144, तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको 144 होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू कैसे इतना आ गया, या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो
देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप अगर आपको पिछला ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए होंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो उम्मीद है आप जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अगर मैं अगर आपको समझा सका हूँ इस अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ये वाला जो नेक्स्ट है जिसको दिलीप दसन ने अपने इंस्टाग्राम से पूछा था, इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। देखता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से मेरी इस वीडियो को देख के। तो आप इसको सॉल्व करके इसको कमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी अगर आप इसको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर तो मुझे फिर वैसे अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप मैं इसका भी वीडियो आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लेकिन आप पूरे अपना दिल से एक बार कोशिश करिएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप उसको क्लियर करके आप उसको ध्यान देकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने आपको जिसने आपको अगर ये भेजा था उसको आप शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ इसका जवाब ऐसे, ये इसका क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा, ऐसे आएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।